एक था शेर, वह जंगल का राजा था। एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यह उसका मेहनताना था। एक दिन शेर बीमार हो गया। वह शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। उसने सियार से कहा, आज मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जाओ, किसी प्राणी को ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने मन में विचार किया, कोई जानवर अपनी खुशी से शेर की गुफा में नहीं आएगा, तो अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है, मैं उसे झांसा देकर यहाँ ला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। यह सुनकर गधे को बहुत खुशी हुई। वह सियार के साथ शेर की गुफा में गया। उसको देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर उसने सियार से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर नदी की ओर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के वापस आने से पहले वह गधे के दिमाग को चट कर गया। जब शेर वापस लौटा, उसने गधे की ओर देखा, कहा, इस प्राणी का दिमाग कहाँ है? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वह यहाँ आता? गधे को तो दिमाग होता ही नहीं। शिक्षा धूर्त अपनी चालाकी से नहीं चूकता।